वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आज आपके सामने हम पहला अपग्रेडेशन कर रहे हैं अपनी इग्निस में। और भाई पहला जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं वो आप समझ ही गए होंगे, अपना जो तरुण भाई जिस चीज़ को कर रहे हैं भाई। और मैं ये बता भी देता हूँ भाई, ये आप प्लग देख रहे होंगे और ये है भाई लेज़र इरिथियम प्लग। ये लिखा हुआ है LR और NGK का ये प्लग है। और भाई ये आप देख सकते हो कितनी पतली इसकी नोक होती है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इसी वजह से इसको अपग्रेड कर रहे हैं। पहले हम जो अपनी रिट्स में जो हमने प्लग यूज़ करा था वो इरिथम प्लग था, ओनली फॉर इरिथम। मैं बता भी देता हूँ इसमें कैटेगरी कौन कौन सी आती है इस प्लग में। भाई इस प्लग में सबसे पहले आता है प्लेटिनियम प्लग जो होता है, स्पार्क प्लग वो आता है, उसके बाद आता है इरिथम स्पार्क प्लग, फिर उससे ऊपर अपग्रेडेड में आता है लेजर इरिथियम प्लग। तो भाई जो हम अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लेजर इरिथियम प्लग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले इरिथियम प्लग हम अपनी रिट्स में यूज़ कर चुके हैं। और भाई बेनिफिट्स बता दूँ इसके, तो भाई इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, इंजन स्मूथ हो जाएगा और जो एवरेज है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और एवरेज की बात करें तो एक बार मैं मीटर पर आपको लेकर चलता हूँ। भाई आप मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अभी फिलहाल गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है वो आपको अभी पता चल जाएगा। स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी पहले। भाई अभी सेल्फ नहीं, तरुण उस्ताद जी मना कर रहे हैं, तो भाई पहले इसको हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा एवरेज कितनी दे रही है और कितनी परफॉर्मेंस आ रही है। और इधर आप देख सकते हैं भाई जो नॉर्मल स्पार्क पे लगाता है हमारा, तरुण उस्ताद जी एक बार दिखा दोगे, गर्म तो नहीं है प्लग ज़्यादा? भाई प्लग गर्म भी होता है। तो भाई इधर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है NGK का, ये नॉर्मल प्लग है। और प्लग भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो इसकी जो ये वाली नोव होती है बहुत मोटी होती है, ये आप देख सकते हो। और भाई जो इरिथम लेजर इरिथम प्लग होता है इसकी देखो आप बिल्कुल प्रॉपर आपको दिख पा रही होगी कैमरे में। तो भाई ये हम यूज़ कर रहे हैं लेजर इरिथम प्लग, तो इनको इंस्टॉल करा जाएगा। और जो हमारे पुराने वाले स्पार्क प्लग वो चारों इधर निकाल दिए उस्ताद जी ने, तो इनको अपग्रेड करेंगे। और इसी के साथ साथ भाई हम यूज़ करेंगे इंजन सेवर ट्रीटमेंट, ऑयल ट्रीटमेंट होता है भाई ये। और ये कई वीडियो में आप देख चुके होंगे, हर गाड़ी में अधिकतर हम यूज़ करते हैं और अब इसमें भी यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई कंपनी से जो ऑयल आता है वो नॉर्मल ऑयल आता है और नॉर्मल ऑयल की परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ आपको पता ही होंगी किस तरीके की होती है, तो इसमें ये भी हम यूज़ करेंगे। पहले स्पार्क प्लग को इंस्टॉल हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको जब हम ऑयल ट्रीटमेंट इसमें डालेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। और भाई इन प्लगों की खासियत यही है, इंजन परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, एवरेज अच्छी आएगी निकल के, पिकअप अच्छा हो जाएगा गाड़ी का और इंजन स्मूथ हो जाएगा। इसीलिए इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं जिससे गाड़ी के इंजन की स्मूथनेस और अच्छी हो जाए। वैसे तो V6 इंजन है ये, VS6 इंजन जो आता है तो वही इंजन है, तो वैसे ये कंपनी ने बड़ा प्योरीफाई करके भेजा है, तो अब और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस में आ जाएगा, क्योंकि भाई इन चीज़ों के बेनिफिट्स बहुत होते हैं और पहले भी हम अपनी गाड़ी में यूज़ कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को। तो भाई वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है चारों प्लगों की। अब यहाँ पर जो गाड़ी के जो अपने वायरिंग वगैरह जो होती है उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करा जा रहा है। भाई ये हम अपनी इंग्लिश में पहली जो अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं, तो मैंने कहा पहली अपग्रेडेशन हम क्यों ना गाड़ी के इंजन से और थोड़ी टेक्नोलॉजी वाइज करें, क्योंकि पहले जो हमने इरिथम प्लग यूज़ करे थे तो मैंने कहा यार अपग्रेड हम अब की बार इसको करेंगे, इससे अच्छा प्लग देखेंगे। तो लेज़र इरिथम प्लग जो आता है वो इससे इसके ऊपर और भी कोई प्लग नहीं आता। पहला जो आता है वो प्लेटिनियम स्पार्क प्लग, फिर इरिथम स्पार्क प्लग और तीसरा जो आता है वो आता है लेज़र इरिथियम प्लग। तो भाई हम लेज़र इरिथियम प्लग हम यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो भी बताऊंगा, एवरेज स्मूथनेस वो सारी चीज़ें आपको। भाई देखो स्मूथनेस का तो ऐसा है कि चलाने पे ही पता चलती है, कैमरेस में जस्टिस नहीं हो पाता है इतना कि भाई किस तरीके की परफॉर्मेंस, लेकिन भाई मैं गाड़ी पहले यूज़ कर रहा हूँ और जो कोई भी यूज़ करेगा तो उसको महसूस हो जाएगा कि इन स्पार्क प्लग को डालने के बाद गाड़ी में परफॉर्मेंस कैसी आती है, वो आप खुद ही जस्टिस कर लोगे।
तो मैंने तो पहले भी अपनी गाड़ी में यूज करे हुए हैं इरिथम प्लग, तो अब इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है ये तो अब पता चलेगा, लेकिन एवरेज वाइज वगैरह मैं सारी चीज आपको दिखा दूंगा। और इधर हमारे उस्ताद जी जो आता है अपना इंजन ऑयल सेवर ट्रीटमेंट है वो डाल रहे हैं, यह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जरा उस्ताद जी खोल लिया भाई, ये बहुत ही गाढ़ा होता है, आप देख सकते हो प्रॉपर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। तो भाई ये हमारी गाड़ी में डल चुका है प्रॉपर तरीके से, और इसकी फिटमेंट जैसे पहले थी वैसे ही प्रॉपर कर दी जाएगी। उधर अपने स्पार्क प्लग निकल गए हैं, अब मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस है। अभी भाई स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं उस्ताद जी, एवरेज का भी अभी पता चल जाएगा। भाई ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दरवाजा खुला हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा एवरेज भी। भाई ये मैं आपको दिखा देता हूँ इधर एवरेज की, जो हम कह रहे थे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, मतलब 14.2 की एवरेज ये गाड़ी दे रही है, और आप यहाँ प्रॉपर देख सकते हो। तो भाई अब कैसी परफॉर्मेंस आती है और कैसी एवरेज बढ़ती है नहीं बढ़ती है, और किलोमीटर्स भी दिखा देता हूँ, 261 किलोमीटर चल चुके हैं, तो 10-15 किलोमीटर चला के देखते हैं एवरेज बढ़ती है नहीं बढ़ती। इंजन परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार अभी तो इंजन स्मूथनेस एकदम नहीं पता चलेगी, क्योंकि गाड़ी थोड़ी चलेगी उसके बाद ही प्रॉपर पता चलेगी। तो भाई अभी चला लेते हैं 10-15 किलोमीटर, फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं ये दिखा देता हूँ जो हमने स्पार्क प्लग चेंज करे थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो भाई ये देख सकते हो 17.3 की एवरेज आई है, और गाड़ी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चला के हमने चेक करी है रोड पर, बढ़िया। हालांकि एवरेज बढ़ भी गई थी पहले, लेकिन जो एवरेज जैसे देखो अब ये 17.5 हो गई, मतलब भाई एवरेज बढ़ रही है, मतलब परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई है। अब मैं इधर दिखा देता हूँ, अब एक्सीलेट करूँगा गाड़ी, देखो आरपीएम किस तरीके से तेज़ी से जाएगा। तो भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है रोड की, बहुत बढ़िया, मतलब परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी उन स्पार्क प्लग के बाद। परफॉर्मेंस इंजन वाइज भी, पिकअप वाइज भी, एवरेज वाइज भी, और स्मूथनेस तो देखो आनी थी, क्योंकि मैं पहले भी अपनी रिट्स में इरिथियम प्लग यूज़ कर रहा था, लेकिन इसमें हमने उनसे भी ऊपर अपग्रेडेड लेज़र इरिथियम प्लग यूज़ करे थे, वो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। तो भाई गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी गाड़ी में भी बिल्कुल निश्चिंत होकर इन स्पार्क प्लग को यूज़ कर सकते हो। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, कि क्योंकि भाई पेट्रोल गाड़ी में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा सोचते रहते हैं कि यार एवरेज कम है एवरेज कम है। ऐसा नहीं है कि भाई हम एवरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जैसे अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करके, अच्छे एयर फिल्टर यूज़ करके, अच्छे स्पार्क प्लग यूज़ करके, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो भाई इसलिए इस वीडियो को आके शेयर भी कीजिएगा, और अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। और भाई ये इंग्लिश में फर्स्ट अपग्रेडेशन हमने करा है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर वीडियो में दिखाया था क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं, स्पार्क प्लग कौन से यूज़ करें और कंपनी से कौन सा स्पार्क प्लग आता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। तो भाई आगे शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके से अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स को प्यार देते रहें।